प्यारे साथियों, आज मैं क्लास 12th में चैप्टर 4 सारणी में विविध प्रश्नावली करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, ये वाली संख्या है 2/x + 3/y + 10/z = 4। क्वेश्चन नंबर 1, 4/x - 6/y + 5/z = 1। क्वेश्चन 2, 6/x + 9/y - 20/z = 2। क्वेश्चन 3, यहाँ हमको सारणी के द्वारा एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे उनमें एक्स ऊपर होता था एक्स वाई जेड, और यहां एक्स वाई जेड हर में दे रखे हैं। क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना हम 2/x को ले सकते हैं 2 × 1/x, लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से 3/y को लिख लेंगे 3 × 1/y, और 10/z को लिख लेंगे 10 × 1/z, ऐसे ही इनमें कर लेंगे। ये जो 1/x है इसको हमने p मान लिया, ऐसे ही 1/y को हमने q मान लेंगे, और 1/z को r मान लेंगे। 1/x = p, 1/y = q, और 1/z = r मान लिया हमने। तो हमारे समीकरण क्या बन जाएंगे, इससे समीकरण बनेंगे 2p + k 3q + 10r = 4। इक्वेशन बन गया हमारा 4th। ये 4p - k 6q + k 5r = 1 हो जाएगा। इक्वेशन 4th, इक्वेशन 5th हो गया, ऐसे ही होगा 6p + k 9q - k 20r = 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 6, क्लियर। अब यहां करेंगे हम ax = b, यहां a हो जाएगा हमारा 2, 3, 10, 2, 3, 10, 4 - 6, 5, 4 - 6, 5, और 6, 9 - 20, 6, 9 - 20, एक्स हो जाएगा PQR, क्लियर, और बी हो जाएगा हमारा 4, 1, 2, क्लियर। अब हम यहां से करेंगे x = 1/a, ये a अपॉन बन जाएगा (b) = 1/a हो जाएगा a इनवर्स (b). तो हमें इसका निकालना है a इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका हम मोड निकालेंगे, उसके बाद में सहगुण, उसके बाद में एडजंट a, तब जाके निकलेगा हमारा a इनवर्स। क्लियर हो गया, पहले इसको चेंज करेंगे हम सारणिक में (2, 3, 10, 4 - 6, 5, 6, 9 - 20), क्लियर। अब हम करेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार, लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर (=), ये 2 है हमारा, ये स्तंभ जाएगा और ये लाइन चली जाएगी, तो क्या बचा (-6, 5, 9, 20), तो -6 करेंगे मल्टीप्लाई -20 में, तो ये जाएगा +1 = 20, -9 × 5 = 45, माइनस ये 3 आएगा। अब इसके लिए ये स्तंभ छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे, क्या बचा 4, 6, 5 - 20, तो 4 × करेंगे -20 तो आएगा -80, -6 × 5 = 30 हो जाएगा, 30 + अब आएगा 10। इसके लिए ये लाइन छोड़ देंगे और स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचा 4 - 6, 6, 9, तो 4 × 9 करेंगे तो आएगा 36,
सिक्स इंटू माइनस सिक्स माइनस 36 आएगा और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। क्लियर? इक्वल टू 2 इंटू 120 माइनस 45 तो बचेगा 75 माइनस 3 इंटू माइनस 80 माइनस 30 आएगा माइनस के 110 प्लस 10 इंटू 36 प्लस 36 आएगा 72 इक्वल टू 75 इंटू 2 आएगा 150 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 11 थ्री 33 तो ये हो गया 330 प्लस 72 इंटू 10 तो ये हो गया 720 इक्वल टू प्लस करेंगे तो 0 आएगा 538 8 और 2 10 वन कैरी हो जाएगा 718 8 और 3 11 प्लस 1 12 तो ये हो गया 1200 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब निकालेंगे सेकंड 811 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा इंटू पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया माइनस 6 इंटू माइनस 20 आएगा 120 माइनस 9 इंटू 5 45 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस का 1 हो जाएगा इंटू 120 माइनस 45 आएगा 75 इक्वल टू 1 इंटू 75 आएगा। अब A12 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा इंटू पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया क्या बचा 465 माइनस 20 तो 4 इंटू माइनस 20 करेंगे माइनस का 80 आएगा माइनस 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 आएगा इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 1 आएगा इंटू माइनस 80 माइनस 30 माइनस 110 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा 110 प्लस का। अब 813 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 4 हो जाएगा इंटू पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दिया तो क्या बचा 46 माइनस 6 9 तो 4 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 36 माइनस 6 इंटू माइनस 6 तो आएगा माइनस 36 और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा 36 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 4 प्लस का 1 आएगा इंटू 36 प्लस 36 आएगा 72 इक्वल टू 72। अब A21 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा इंटू दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया तो क्या होता 3 10 और 9 माइनस 20 तो 3 का करेंगे मल्टीप्लाई माइनस 20 में आएगा माइनस 60 माइनस 9 इंटू करेंगे 10 तो आएगा 90 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 आएगा माइनस 1 इंटू माइनस 60 और माइनस के 90 आएगा माइनस के 150 करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 150 प्लस का। अब निकालेंगे A22 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा इंटू दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया तो क्या हो गया 2 10 और 6 माइनस 20 तो 2 इंटू माइनस 20 करेंगे माइनस के 40 आएगा माइनस 6 इंटू 10 60 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 की पावर 4 प्लस का 1 आएगा इंटू माइनस 40 माइनस 60 माइनस 100 आएगा इक्वल टू माइनस का 100 हो गया। अब A23 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा इंटू दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 2 3 6 9 तो 2 इंटू 9 18 माइनस 6 इंटू 3 18 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 5 माइनस का 1 हो गया इंटू 18 माइनस 18 0 हो गया इक्वल टू 0।
ए 3 1 इक्वल टू 1 इज 1 की पावर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा इनटू तीसरी पंक्ति पैरास्टम छोड़ देंगे, तीसरी पंक्ति पैरास्टम छोड़ दिया तो क्या हो गया 3 10 माइनस 6 5 तो 3 इंटू 5 15 माइनस माइनस 6 इंटू 10 माइनस 60 हो जाएगा और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 की पावर 4 प्लस का 1 हो गया इंटू 15 प्लस 60 75 इक्वल टू 75 ए 3 2 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 5 हो गया इंटू तीसरी पंक्ति दूसरा आइटम छोड़ दिया, तीसरी पंक्ति और दूसरा आइटम छोड़ दिया क्या बचा 2 4 और 10 5 तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा माइनस 4 इंटू 10 40 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 की पावर 5 माइनस का 1 आएगा इंटू 10 माइनस 40 माइनस का 30 हो गया इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 30। अब ए 3 3 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 6 हो गया इंटू तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दिया क्या बचा 2 3 4 माइनस 6 तो 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 आएगा माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 1 का 6 प्लस का 1 हो जाएगा इंटू माइनस 12 माइनस 12 माइनस का 24 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 24। ये हो गए हमारे सेकंड। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू ए 11 75 ए 12 110 ए 13 75 ए 1 ए 21 ए 21 150 ए 22 माइनस का 100 ए 23 0 ए 31 75 ए 32 30 और ए 33 माइनस 24। यह आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए कॉमन, मोड ए कॉमन आया हमारा 1200 इंटू एडजॉइंट ए हो गया 75 110 72 150 माइनस के 100 0 75 30 और माइनस का 24। क्लियर। हमने अभी लिखा था ए एक्स इक्वल टू बी, यहां से एक्स हो गया था हमारा 1 अपॉन ए इंटू बी अर्थात ए इनवर्स इंटू बी हो गया था। तो हम अब निकालेंगे एक्स का मान, एक्स हो जाएगा हमारा ए इनवर्स इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स तो ये हो गया 1 अपॉन 1200 इंटू ए 75 150 75 110 माइनस का 100 30 72 0 माइनस का 24 इंटू बी। बी हमारा आया था 412 ये हमारा बी था, याद रख देंगे बी को 412। क्लियर। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 अपॉन 1200 कहीं ध्यान का करेंगे स्तंभ में 75 इंटू 4 ये हो गया 300 प्लस 150 प्लस 1 तो आएगा 150 प्लस 75 इंटू 2 हो जाएगा 150। क्लियर। अब करेंगे दूसरी पंक्ति का स्तंभ में 110 इंटू 4 हो जाएगा 440 माइनस 100 इंटू 1 आएगा माइनस का 100 और 30 इंटू 2 आएगा प्लस का 60
72 इंटू 4 ये हो जाएगा 288, 0 इंटू 1 ये 0 हो जाएगा, और माइनस के 24 इंटू 2 ये हो जाएगा माइनस का 48, क्लियर। 1/1200, 300, 150 प्लस 150 ये हो गया 600, 440 प्लस 60 ये हो गया 500, 500 माइनस 100 ये हो जाएगा 400, 288 माइनस के 48 ये हो जाएगा 240, क्लियर। अब इसका करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 600/1200 ये कट जाएगा, 6 बन जाएगा और 6 टू 12 ये हो गया 1.2, ऐसे ही 400/1200 दो जी को जो कट जाएगी 4 बन जाएगा 4 और 4 3 जा 12 ये हो गया 1.3, ऐसे ही 240/1200 जो जो कट गया, अब 24 बन जाए 24 और 24 5 जा 120 तो ये आ गया हमारा 1.5, ये आ गया हमारा x का मान, क्लियर। यहां से हमारा x क्या था, x था हमारा p q और r इक्वल टू ये आ गया 1/2, 1/3 और 1.5, तो यहां से p का मान हो जाएगा, ये दोनों आप यू समान हो गए तो P का मान हो जाएगा 1/2, Q का मान हो गया 1/3 और R का मान हो गया 1.5, क्लियर। लेकिन हमने माना था 1/x=P, हमारा P था 1/x और P का मान आ गया 1/2, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2, क्लियर। इसी तरीके से हमारा Q था 1/y इक्वल टू Q का मान आ गया 1.3, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो y हो गया हमारा यहां से 3, क्लियर। और R था हमारा 1/z इक्वल टू R का मान आ गया 1.5, यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो z इक्वल टू हो गया हमारा 5। इस तरीके से x का मान आ गया हमारा 2, y का मान आ गया 3 और z का मान आ गया 5, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि a b c समांतर श्रेणी में हो तो सारणी का मान बताना है, ये हमारी संख्या है हमें तो इसका मान निकालना है। यहाँ r को में हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और r1 और आठ जी को प्लस कर दें तो जाएगा एक्स एक्स टू एक्स हो जाएगा, प्लस 2+4 6 हो जाएगा और माइनस कर दें तो क्या होगा, सब खोलेंगे 2x+6 माइनस करेंगे 2x-6 ये कट गया, ये भी कट गया, 0 हो गया। इसके लिए हमें 2 से भाग करना पड़ेगा और 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि संख्या में कोई फर्क न पड़े, इक्वल टू 2 से तो कर दिया हमने डिवाइड और आर टू में हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, आर वन तो जैसे वैसे आ जाएगा, इसमें करेंगे तो जाएगा 2(x+3), ऐसे यहां होगा 2(x+4) और ऐसे यहां होगा 2(x+2)b, क्लियर। और आर थ्री जैसे है वैसे आ जाएगा (x+4), (x+5) और (x+2c), क्लियर। अब इसका करेंगे अंदर मल्टीप्लाई 1/2(x+2), (x+3) और (x+2a), इसका करेंगे ये जाएगा 2x+6, 2x+8 और 2x+4b हो गया। और R3 को जैसे लिखा वैसे लिख देंगे (x+4), (x+5) और (x+2c), क्लियर। अब करेंगे हम
आर टू के स्थान पर करेंगे आर टू माइनस ब्रैकेट में आर वन प्लस आर थ्री, आर वन और आर थ्री को प्लस करके इसमें से घटाना है इक्वल टू वन अपॉन टू आर वन, तो जैसे लिखा वैसे लिख देंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू ए, ये है टू एक्स प्लस सिक्स माइनस इन दोनों को प्लस करना है तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस सिक्स माइनस करेंगे टू एक्स प्लस सिक्स बैल खोलेंगे तो माइनस के टू एक्स माइनस के सिक्स ये कट गया ये भी कट गया जीरो हो गया, यहां लिख देंगे आप जीरो ऐसे यहां करेंगे तो ये टू एक्स ऐसे इसमें करेंगे एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया माइनस किया तो इसे कट गया और थ्री प्लस फाइव एट हो गया एट में माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, ऐसे यहां होगा एक्स एक्स टू एक्स इस टू एक्स से कट जाएगा माइनस करने पर और ये फोर एक्स माइनस ये हो जाएगा टू ए प्लस के टू सी, जैसे ये है टू एक्स प्लस फोर बी माइनस करना है हमें इन दोनों को प्लस करके तो हो गया टू एक्स प्लस टू ए प्लस टू सी ये हो गया, डबल खोलेंगे तो टू एक्स प्लस के फोर बी माइनस के टू एक्स माइनस के टू ए और माइनस के टू सी, टू एक्स से टू एक्स कट जाएगा क्या हो जाएगा फोर बी माइनस के टू ए माइनस के टू सी, क्लियर इसमें से टू कॉमन ले लो क्या हो जाएगा टू बी माइनस के ए माइनस के सी, तो ये हम यहां लिख देंगे टू रद्द करना टू बी माइनस के ए माइनस के सी, क्लियर और आर थ्री जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस टू सी, क्लियर हमें दे रखा है ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो ये बराबर होंगे, क्लियर इन सबको इधर ट्रांसफर करेंगे बी ये माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस का ये है ही हमारा ये सी इधर आएगा तो माइनस का हो गया इधर क्या बचा जीरो, तो ये हो गया टू बी माइनस का ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा जीरो हो गया, जब जीरो हो गया तो ये हमारा टू बी माइनस के ए माइनस सी हम इसके स्थान पर यहां से जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू वन अपॉन टू आर वन जैसे लिख देंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू ए, ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया टू इंटू इसके स्थान पर यहां से हमने जीरो लगा दिया और आर थ्री को जैसे लिखा है वैसे लिख दिया एक्स प्लस फोर एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू सी, क्लियर इक्वल टू वन पॉइंट टू आर वन जैसे लिखा वैसे लिख देंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस टू ए, आर टू हमारा पूरा जीरो हो गया जीरो 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 क्योंकि टू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा और आर थ्री को भी लिख दिया हमने एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस टू सी, यहां आर टू के सभी अवयव जीरो है ना तो हमारा सारणिक का मान जीरो होगा, किसी भी सारणिक में या कोई स्तंभ या कोई पंक्ति के सभी अवयव जीरो हो तो सारणिक का मान जीरो होता है हमारी प्रॉपर्टी है तो ये हो गया जीरो, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।